अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 5 है, फोर्स एंड द मोशन 1, प्रॉब्लम नंबर 27 है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे दी गई है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया, इनटू द रीजन, एक ऐसे हिस्से में दाखिल हो जाता है जब उस पर कॉन्स्टेंट वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स की वैल्यू भी दे दी गई 4.5 टन इस पर -16 न्यूटन। इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया गया है। अब हमसे वर्टिकल डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा किस टाइम में, 30 mm की दूरी में, यानी 30 mm तक उसने जो दूरी की है उस दौरान उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। टोटल फासला उसका 30 mm है। अब हम जानते हैं कि बेसिक टूल है y इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हम कह सकते हैं कि भाई जीरो है। एक्सेलरेशन निकालना हो तो एफ बाई एम, और टी निकालना हो तो एक्स इक्वल टू वी नॉट टी। ये सारी वैल्यूज उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, एफ बाई एम भी लगा दिया, एक्स ओवर वी नॉट भी लगा दिया। अब आप ये सारी वैल्यूज, एफ भी पता है, एम भी पता है, एक्स भी पता है, वी नॉट भी पता है, सारी चीजें पता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.5 टेन इस पर -3 मीटर आएगा। क्योंकि हम मान रहे हैं कि कांस्टेंट है फोर्स, तो आपके पास एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का भी कांस्टेंट होगा, तो पाथ आपका पैराबोलिक होगा, क्योंकि अगर आप वाई और एक्स का टूल देखें तो वाई इज प्रोपोर्शनल है किस चीज का, एक्स स्क्वायर का, तो आपको एक पैराबोलिक सा पाथ बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।